नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर पूरा का पूरा सही है। इसको पढ़ लें, ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लें। ए क्वेश्चन आपका कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न है। इंटरनेट पत्रकारिता यानी अध्याय एक में संचार माध्यम पत्रकारिता के महत्व में से एक क्वेश्चन है। इंटरनेट पत्रकारिता के कारण अब दूरियां क्या, उत्तर में लिखना पड़ेगा इंटरनेट पत्रकारिता के कारण अब दूरियां समट कर रह गई हैं। इंटरनेट की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो गई है, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, इसका असर पत्रकारिता पर भी हुआ है। इसकी मदद से स्टूडियो से बैठा संचालक किसी भी मुद्दे पर देश विदेश से बात कर सकता है। इसी मदद से वार्ताएं मीटिंग आयोजित की जाती हैं। इससे विश्व की किसी भी घटना की जानकारी अब आसान हो गई है। हम तुरंत जो है, आप कोई भी घटना घटती हो तुरंत हमारे लिए नोटिफिकेशन आ जाता है। इस प्रकार सब क्या हो गया है, सिमट चुकी हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत सरल और संक्षिप्त में आंसर मिल गया होगा। और भी इसी प्रकार एजुकेशनल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए हमेशा इस चैनल से आपकी उपयोगी यानी आप स्टूडेंट हैं तो आपके बहुत काम की बातें बताई जाती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपका चैनल है। और अगर अपने दोस्तों को इस प्रश्न का आंसर चाहिए कि इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, इसने समेट लिया है आगे नहीं, यानी हमारी जो काम है वह सरल हो गए हैं इंटरनेट के कारण। जैसे पत्रकार है तो हम न्यूज़पेपर है, अब दैनिक भास्कर पर ऐप पर हम पढ़ लेते हैं, अब हमें ऑफलाइन यानी मंगवाने की ज़रूरत नहीं। क्या न्यूज़पेपर, ठीक है। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।